हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और उसमें मैंने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लोगों को बताया था और मैंने ये बताया था कि आपके जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं आप उसको एक जगह नोट कर लीजिए और उसको रिवीजन करते रहिए। यदि रिजल्ट याद है तो आपको इंटीग्रेशन में, मैं ये अश्योर कर रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेशन में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, एक कॉन्सेप्ट, उसके बाद 4 से 5 न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया है और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट, फिर न्यूमेरिकल्स, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट, तो ऐसे ही। तो एटलीस्ट आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जब आप कैलकुलस मैथ्स में पढ़ोगे तो वहाँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो है 1 से 2 मंथ्स केवल हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, जो कि अपने पास उतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे डिटेल में आपको बताऊँ, और जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो उसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसलिए जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ उसको आपको माइंड में रखना है और ये ध्यान में रखना है इसका यूज फिजिक्स में है। मैं अभी तक वही पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ जिसका यूज फिजिक्स में है, ऐसा नहीं है कि उससे हम बाहर जा रहे हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे या इंटीग्रल। इनडेफिनिट का मतलब क्या था कि लिमिट नहीं दिया रहा था कि कहाँ से कहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या कर रहे थे, उसमें कॉन्स्टेंट ऐड कर दे रहे थे, है ना, कांस्टेंट क्या कर रहे थे, हम ऐड कर रहे थे। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या रहेगा कि ये जो इंटीग्रेशन साइन है उसके नीचे एक वैल्यू दिया रहेगा, किसका, एक्स का। यहाँ वेरिएबल कौन है, एक्स है, एक्स का वैल्यू रहेगा और अपर लिमिट ऊपर जो होगा, लोअर जो वैल्यू होता है उसको अपर लोअर लिमिट बोलते हैं, अपर जो वैल्यू होता है उसको टॉप पे जो वैल्यू होता है उसको अपर लिमिट बोलते हैं। आपको एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या रखना है, ए रखना है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या रखना है, बी रखना है। तो ऐसा मानिए कि कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जिसको इंटीग्रेट करने के बाद अपने को क्या मिल रहा है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करेंगे उसके बाद क्या करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में राइट साइड लोअर पॉइंट पे हम क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट लिखते हैं, और अपर पॉइंट पे हम क्या लिखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे। फिर हम क्या करते हैं कि एक्स के जगह अपर लिमिट रखते हैं, माइनस एक्स के जगह हम क्या लिखते हैं, लोअर लिमिट रखते हैं, जो यहां मैंने दिखाया है। तो इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ए टू क्या दिया हुआ है, ए टू आपको दिया हुआ है, ए टू क्या है, बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट किए तो क्या मिला, कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिला। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स को हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, उसके नीचे हमने क्या किया, लोअर लिमिट लिखा, और अपर क्या किया, ऊपर जो है अपर लिमिट रखा। फिर अपर लिमिट का वैल्यू माइनस क्या किया हमने, लोअर लिमिट का वैल्यू यूज किया। जैसे एक एग्जांपल देखो, आप ज्यादा समझ में आएगा एग्जांपल के लिए, आपको घबराना नहीं, जैसे दिया हुआ है 0 0 2 क्या है, 4 एक्स स्क्वायर या एक्स डी एक्स। तो पहले मुझे क्या करना है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको भी मालूम है, क्या होता है, x स्क्वायर बाई क्या होता है, 2। तो पहले हमने क्या किया है, x स्क्वायर बाई 2 लिख दिया, उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा। अब स्क्वायर ब्रैकेट जब लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट, और यहाँ क्या लिखेंगे, अपर लिमिट, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, x के जगह अपर लिमिट रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, देखो 1/2 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या होगा, 4 स्क्वायर क्या हुआ, 4 स्क्वायर माइनस एक्स के जगह लोअर लिमिट 0 स्क्वायर, तो ये कितना मिला, 16 अपॉन क्या मिला, 2 आई मीन क्या हुआ, 8 यूनिट जो हुआ इसका आंसर। दूसरा एग्जांपल देखो, आपको समझना है, दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स 4 to 16, क्या दिया हुआ है, 4 to 16। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है, क्या होता है, ln x, ये आप लोगों को मालूम। फिर ln x जैसे ही हमने लिखा, लोअर लिमिट कितना लिखा, 4, अपर लिमिट 16। अब मुझे क्या करना है, लोअर लिमिट तो हम लिखेंगे ln 16 माइनस क्या लिखेंगे, ln 4, तो ये कितना हो जाएगा, log ऑफ m माइनस n क्या होता है, log ऑफ m अपॉन n होता है, तो हम क्या लिखेंगे, ln, है ना, 16 अपॉन क्या लिखेंगे, 4, ये कितना हो जाएगा, ln 4, और इसको लिख सकते हैं ln 2 raised to 2, तो 2 ln भी हम क्या लिख सकते हैं, 2, और ln 2 का जो वैल्यू होता है वो याद कर जाना कितना होता है, 0.693 होता है ln 2 का, ये रट जाना क्योंकि इसका फिजिक्स में बहुत यूज है ln 2 का। तो यही क्या हुआ आपका,
इंटीग्रेशन 4 टू 16 क्या हुआ, dx अपॉन x का वैल्यू मिल गया। ये बहुत ही सिंपल है, केवल क्या करना है आपको, लिमिट रखने कैसे, लिमिट कैसे रखते हैं ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। तो दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल ये दिया हुआ है कि देखो साइन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स 0 to 2π, क्या करना है 0 to 2π। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स ए होता है। अब हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट और क्या लिखेंगे, अपर लिमिट। तो माइनस कॉस 2π माइनस कॉस क्या होगा 0, इसका भी वैल्यू क्या होगा 1, इसका भी वैल्यू क्या होगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब इसका साइन एक्स का आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ट्रिगो में सर आपको बताएंगे या मैं भी जब SHM पढ़ाऊंगा तो वहाँ ये चीज़ फिर से बताऊंगा, तो साइन एक्स का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसे आता है, ये क्या हुआ वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ये एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स इक्वल टू पाई, एक्स इक्वल टू 3π/2 और एक्स इक्वल टू क्या होता है 2π। तो देखो ऊपर क्या होगा, ए वाला एरिया इसका एरिया प्लस होगा और इसका एरिया क्या हो जाएगा माइनस, जब दोनों को ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 to 2π क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। उसी तरह आपसे कोई पूछे, क्या है आपसे कोई पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स 0 to 2π लिख लो, तो कितना होगा अगेन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स 0 to 2π, वैल्यू रखो साइन क्या होगा, साइन 2π माइनस क्या होगा साइन 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स फ्रॉम 0 to 2π, 2π का मतलब क्या होगा, कितना होगा 360 डिग्री। तो 0 to 360 डिग्री का जो इंटीग्रेशन करोगे तो अगेन उसका वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा 0 आएगा। कॉस एक्स का भी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये क्या हुआ वाई इक्वल टू क्या हुआ साइन एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स का भी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ इस टाइप का होगा, है ना, क्या होगा कुछ इस टाइप का होगा। ऐसे होगा, तो ये ध्यान से देखना थोड़ा सा और हम अच्छे से ड्रॉ करें। तो एरिया ऊपर है और एरिया क्या है निगेटिव है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ये कॉस एक्स का ये केवल आपको क्या करना है माइंड में रखना है, रखना कुछ नहीं है, केवल स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखो कि इंटीग्रेशन। उसके बाद देखो अगला इसका भी यूज होता है, देखो यार रट भी जाना है कि 0 to 2π साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to 2π इक्वल टू क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है 1/2। ये रट जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसको क्या करना है याद रखना है। अब याद नहीं रखना है, रटना नहीं है, एक मैं बता देता हूँ, दूसरा इंटीग्रेशन खुद से तुम फाइंड आउट कर लो। लेकिन याद रखना कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0 to 2π ऑलवेज क्या होता है हाफ होता है, क्या होता है हाफ होता है। जैसे देखो इंटीग्रेशन अब क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 to 2π, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ये बताया था कॉस 2x बाई 2 इंटीग्रेशन डी एक्स 0 to क्या होगा 2π। अब अलग अलग देखो तो हम 1/2 कॉमन ले लें, 1/2 तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स 0 to 2π माइनस कॉस 2x इंटीग्रेशन 0 to 2π डी एक्स, ठीक है, तो ये कितना होगा 1/2। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा तो x 0 to 2π माइनस कितना होगा माइनस कितना होगा k
क्या होगा माइनस है ना 1/2 क्या होगा 1/2 साइन 2x 0 टू क्या होगा कितना होगा 0 to 2 शायद हमने गलत लिख दिया था क्या तो देखो ये कितना होगा हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ठीक है ना तो ये कितना होगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 1/2 आता है 1 कैसे आ रहा है हमने कहीं मिस्टेक कर दिया क्या देखना क्या होगा x तो हम क्या लिखेंगे 2π है ना क्या लिखेंगे 1/2 2π माइनस क्या लिखेंगे 1/4 साइन 2π इंटू 0 to क्या होगा 2π ठीक है आई थिंक पाई क्या होगा 0 to π होगा 1/2 ये 1 हो जाएगा हमने गलत लिख दिया था तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा पाई आ जाएगा एवरेज वैल्यू आता है पाई हमने गलत लिख दिया था सॉरी एवरेज वैल्यू आता है वो बाद में हम पढ़ेंगे कि एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा हाँ ये जरूर याद रखना कि एवरेज वैल्यू क्या होगा एवरेज वैल्यू जो होगा देखो एवरेज वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं दूसरा क्या होगा तुम कॉस स्क्वायर का खुद से फाइंड आउट करना यहाँ यदि कोई पूछे कि साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करो तो वो कितना आता है तुम्हारा 1/2 आता है कितना आएगा एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू इसको एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू बोलते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा 1/2 ये याद रखना है मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू इसको हम क्या पढ़ेंगे एवरेज और मीन वैल्यू तो ये याद रखना है ना केवल ये कि जब हम SHM पढ़ेंगे तो वहाँ इसकी ज़रूरत होगी उसके बाद हम जब कहाँ पढ़ेंगे जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तो वहाँ इसकी ज़रूरत होती है तो आपको याद रखना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का जो एवरेज वैल्यू होता है वो क्या होता है 1/2 होता है क्या होता है 1/2 क्या होगा 2 होगा उसी तरह साइन एक्स और कॉस एक्स का एवरेज वैल्यू ओवर 2π क्या होगा ये भी लिख देता हूँ कि साइन एक्स का एवरेज वैल्यू इक्वल टू कॉस एक्स का जो एवरेज वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 होगा ओवर 2π ये याद रखना चाहिए तो इसमें क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है केवल आपको क्या आना चाहिए लिमिट कैसे पुट करते हैं ये आना चाहिए एक और एग्जांपल देख लो क्या होगा कि इंटीग्रेशन e^x dx 0 to 1 तो 0 to 1 तो पहले e^x का क्या होगा e^x फिर 0 to 1 तो e^1 माइनस e^0 कितना हो जाएगा e माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा e^2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका वैल्यू अब मैं आपको कुछ रिजल्ट बता रहा हूँ जो बस ट्री को कैलकुलस में आपको इतना ही माइंड में रखना है दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है और जब आप मैथ्स पढ़ोगे तो वहाँ डिटेल में बताया जाएगा अब कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट मैं बोल रहा हूँ वो आपको क्या करना है इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो आपको क्या करना है इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपको माइंड में रिजल्ट्स रखना है जैसे देखो सिंपल देखो 1 + x² मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा 1 + x + क्या होगा x² अब ऐसे सोचो कि क्या होगा ई x इज मच स्मॉलर देन क्या होगा 1 तो x से बहुत छोटा है तो उसका जो क्या होगा x² वो भी क्या होगा क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि 1 + x² को हम क्या लिख सकते हैं 1 + क्या लिखेंगे x लिखेंगे सॉरी यहाँ गलत लिख दिए 2x तो क्या लिखेंगे 2x ये कब होगा जब इफ क्या होगा उसी तरह देखो क्या लिखोगे उसी तरह देखो ये बहुत यूज होता है फिजिक्स में यदि क्या लिखें कि 1 + क्या लिखेंगे अगला देख सकते हो क्या लिखें कि 1 +
एक्स क्यूब द होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स, यह लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस क्या होगा 3x प्लस 3x स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, इफ हम लिख सकते हैं इफ x इज मच मच स्मॉलर देन क्या होगा 1, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा 0 और ये भी टर्म क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x ही बहुत छोटा है 1 से, तो उसका स्क्वायर और छोटा होगा, क्यूब क्या होगा और छोटा होगा। तो ऐसा सिचुएशन हो तो x के केवल लीनियर पावर तक ही हम क्या करते हैं लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस क्या लिख सकते हैं 3x। यदि उसी तरह लिखना हो, क्या लिखना हो कि 1 प्लस एक्स के पावर क्या हो, हम लिख सकते हैं कि क्या होगा इफ x इज मच मच स्मॉलर देन क्या होगा 1, तो लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स के पावर 4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 4x। उसी तरह क्या लिख सकते हैं x के पावर क्या लिख सकते हैं 5, तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 5x। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स के पावर n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। ए आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इसका भी यूज होता है। 1 प्लस एक्स के पावर एन क्या होगा 1 प्लस एन एक्स, ये कब होगा और जनरल रिजल्ट लिख रहा है तो आप जनरल रिजल्ट क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ, लेकिन ये ज़्यादा टर्म तक 1 प्लस एक्स के पावर एन इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा हायर पावर। उसके बाद फैक्टोरियल आ जाएगा जो मैं नहीं बताना, यहाँ से आता है, यहाँ n क्या होना चाहिए n का 1 प्लस एक्स के पावर n इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस हायर पावर, ये ऐसे आता है। तो ये क्या करना है आपको याद रखना है, क्या करना है याद आपको रखना है। उसके बाद आप देखो अगला जो रिजल्ट, तो 1 प्लस एक्स के पावर n क्या हो जाएगा एन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर एन इक्वल टू क्या होगा एन एक्स, प्रोवाइडेड एक्स इज मच मच स्मॉलर देन क्या हो जाएगा बहुत ही क्या होगा छोटा होगा, किसके रिस्पेक्ट में 1 के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे हायर पावर ऑफ एक्स को क्या करते हैं निगलेक्ट कर देते हैं। उसी तरह क्या होगा कि इफ e रेज टू x इक्वल टू क्या दिया हुआ है e भी याद रखना, तो क्या होगा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 6 प्लस सुमा। सिमिलरली e रेज टू माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 6 प्लस हायर पावर, हायर पावर अब क्या होगा ऑफ एक्स, तो क्या करना है आपको याद रखना। उसी तरह ln क्या होगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेज टू 4 बाई 4 अल्टरनेट आते जाएगा। तो ये कुछ एक्सपांसन लिख रहा हूँ, अब आप बोलोगे सर इसका यूज क्या है यूज, और इसको आप डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे मैथ्स में पढ़ेंगे, आप डिटेल में आप इसको कहाँ पढ़ोगे मैथ्स में, आपको क्या करना है पढ़ना है। तो आप क्या लिखोगे ln 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स रेज टू 4 बाई 4 प्लस एक्स रेज टू 5 बाई 5 माइनस एक्स रेज टू 6। अब यदि आपसे कोई पूछे कि ln क्या करो 1 माइनस एक्स का एक्सपांसन लिखो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करना है मुझे माइनस एक्स लिख देना है ना। तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स रेज टू बाई 4 एंड ये क्या करना है आपको याद रखना है, क्या करना है आपको याद रखना है। उसी तरह साइन एक्स, साइन एक्स का जो एक्सपांसन होगा वो क्या होगा एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 6 प्लस एक्स रेज टू 4 अपॉन क्या हो जाएगा 4 है ना, क्या हो जाएगा 4 तो 4 3 12 24 24 प्लस क्या होगा हायर पावर एक्स, ये आपको क्या करना है। उसी तरह
cos of x equal to 1 minus x square by 2 plus x raised to, नहीं यहाँ क्या होगा, हमने गलत लिख दिया, यहाँ x raised to क्या होगा 5 upon factorial 5, I mean 5 into 4 into 3 into क्या होगा 2, 120, ये याद रखना है ना, x raised to 4 upon क्या हो जाएगा 1 minus x raised to 4, sorry 1 minus x square by 2, x raised to 4 upon factorial 4, I mean 24 minus plus minus क्या होगा higher power. आपको क्या करना है, इस एक्सपांशन को क्या करना है, याद रखना है. याद रखोगे तो मैथ भी जब पढ़ोगे तो उसमें उस समय भी क्या होगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा. तो आपको क्या करना है, इसको माइंड में रखना है. अब देखो तो ये कुछ स्टैंडर्ड क्या हुआ, एक्सपेंशन रहा, जो आपको क्या करना है, माइंड में रखना है. अब आप एपी पढ़े हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अभी हम क्या पढ़ेंगे, जीपी के बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ और दो तीन पॉइंट बताऊंगा, है ना, वो आपको क्या करना है, जो ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, जीपी. तो एपी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ए नंबर इन सच ए वे दैट द डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंस बिटवीन एनी नंबर एंड इट्स प्रीसीडिंग नंबर मस्ट बी ऑलवेज क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए. तो वैसे सेट को या सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, या कलेक्शन को क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं. और प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब क्या हो जाए, वो प्लस माइनस साइन से यदि वो कनेक्ट कर दिए जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं. तो उसी तरह क्या होता है कि द रेशियो ऑफ क्या होगा, रेशियो ऑफ इफ द नंबर क्या होगा, इफ इफ रेशियो क्या होगा, इट इज, है ना, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ए नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ए नंबर्स इन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म मस्ट बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी कॉन्स्टेंट. यदि नंबर दिया हुआ है, इट इज कलेक्शन ऑफ ए नंबर, आप जानते ही हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, है ना, सीक्वेंस का मतलब ही यही होता है कि कोई भी नंबर जो है वो डेफिनेट पैटर्न को फॉर्म करके बनाया जाए तो उसको हम उसके कलेक्शन को क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं. आई मीन वो डेफिनेट पैटर्न को क्या करे, फॉलो करो, रूल को क्या करे, फॉलो करे. तो इट इज कलेक्शन ऑफ ए नंबर इन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, आई मीन उसके पहले वाला टर्म क्या हो जाए, कॉन्स्टेंट हो जाए. तो वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, वैसे कलेक्शन को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं. आई हम बोलते हैं कि नंबर्स आर इन क्या होगा, जीपी. तो मान लो कि क्या है, नंबर दिया हुआ है ए वन ए टू ए थ्री क्या है ए फोर एंड सो ऑन क्या दिया हुआ है एन. तो क्या होगा, इफ हम लिख सकते हैं इफ ए टू अपॉन ए वन इक्वल टू क्या हो जाए, ए थ्री अपॉन ए टू इक्वल टू ए फोर अपॉन क्या हो जाए, ए थ्री डैश डैश इक्वल टू क्या लिखे हैं, ए एन अपॉन ए एन माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाए, कॉन्स्टेंट. तो हम क्या बोल सकते हैं, देन वी कैन से दैट ए वन ए टू ए थ्री आर इन जीपी. क्या बोल सकते हैं इसको, हम क्या बोल सकते हैं, देन क्या बोल सकते हैं, देन ए वन ए टू ए थ्री एंड क्या होगा ए एन आर इन क्या होगा, जीपी. अब कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट इज कॉल्ड क्या होगा, कॉमन रेशियो. इसको सी आर भी लिखते हैं और इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं. और फर्स्ट टर्म को हम जनरली ए से डिनोट करते हैं, आप लोग जानते हो. तो हम मान लेते हैं कि ए इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म, और R इक्वल टू क्या होगा, कॉमन रेशियो. तो अब देखो तो
हम लिख सकते हैं a1 अपॉन a इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 अपॉन a1 इक्वल टू क्या होगा r होगा। तो ध्यान से देखना a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a1 इंटू क्या हो जाएगा r हो जाएगा, क्या हो जाएगा r हो जाएगा। a1 को हमने क्या माना है फर्स्ट टर्म, यही क्या हुआ फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म nth टर्म। तो अब हम क्या लिख सकते हैं a2 अपॉन a1, तो हम लिख सकते हैं यहाँ a2 इज इक्वल टू क्या होगा a इंटू आर के पावर 2 माइनस 2। उसी तरह हम लिख सकते हैं वहाँ से देखो a3 अपॉन a2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं r, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a2 इंटू आर, और a2 का वैल्यू रखोगे तो क्या लिखोगे a r2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं a r के पावर क्या होगा 3 माइनस 1। तो देखो यहाँ जो टर्म लिख रहा है r के पावर दैट टर्म माइनस क्या हो रहा है 1 हो रहा है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि nth टर्म लिखो nth टर्म अब क्या होगा gp, तो क्या होगा अब लिख सकते हैं हेंस क्या लिख सकते हैं an इक्वल टू क्या होगा a इंटू आर के पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1। तो इसी को क्या बोलते हैं जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ क्या होगा ऑफ n gp, और क्या बोलेंगे nth टर्म ऑफ gp। ये आपको क्या करना है माइंड में रखना है, ए क्या हुआ फर्स्ट टर्म और r क्या हुआ कॉमन रेशियो cr। जैसे देखो यहाँ एग्जांपल के लिए दिया हुआ है कि आपसे कोई पूछे कि 1, 2, 3, 4, 8, 16 है ना, उसी तरह 3, 9, 27, 81 डैश डैश, ये सब क्या है 4, 16, 64 तो ये सब क्या है जीपी में। देखो रेशियो 2 अपॉन 1, 2, 4 अपॉन 2, 2, 8 अपॉन 4 क्या है, तो ये सभी क्या है ऑल सीक्वेंस क्या है जीपी में है। अब आपसे कोई पूछे कि SN का फॉर्मूला लिखो, आई मीन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ क्या होगा सम ऑफ n टर्म टर्म्स ऑफ जीपी। तो देखो SN इक्वल टू क्या लिखेंगे a प्लस ER प्लस क्या होगा AR स्क्वायर प्लस क्या होगा AR क्या होगा क्यूब प्लस क्या होगा डैश डैश। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो दो फार्मूला a इंटू हम क्या लिखते हैं r के पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, जब ये r क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, और इक्वल टू लिखते हैं a इंटू क्या होगा 1 माइनस r के पावर n अपॉन क्या होगा 1 माइनस r, जब r क्या होगा लिखते हैं। तो ये आपको ऐसे निकाल फार्मूला होता है याद रखना, ठीक है, ये जब फिजिक्स में कहीं कहीं यूज होगा। मेन इम्पॉर्टेंट क्या है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ये क्या होगा जीपी। अब देखो इसको हम क्या चीज से एस इन्फिनिटी से, तो वन क्या लिखेंगे ए प्लस ए आर प्लस क्या होगा ए आर स्क्वायर प्लस प्लस ए आर के पावर क्या होगा प्लस इन्फिनिटी सिंपल। तो यहाँ जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है इम्पोर्टेंट है ये भी, तो आप क्या करना इसको भी माइंड में रखना, जब क्या होगा एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा ए अपॉन क्या होगा 1 माइनस आर, ये याद रखना है आर मोड आर इज लेस देन क्या होगा 1, तभी हम क्या कर सकते हैं इसका यूज कर सकते हैं। ये क्या है कॉमन रेशियो आई मीन सी आर हो गया, और दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट। जैसे एग्जांपल के लिए देखो क्या है 1, 1 बाई 2, 1 बाई 4, 1 बाई 8 एंड क्या है इन्फिनिटी। तो एस का वैल्यू क्या लिखोगे, देखो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है ए इक्वल टू क्या है 1, आर इक्वल टू क्या होगा फर्स्ट टर्म 1 बाई 2 इंटू 1 आई मीन क्या होगा 1 बाई 2, तो एस इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होगा ए अपॉन 1 माइनस आर, तो क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस क्या होगा 1 बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, तो एस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा 2 हो गया, ठीक है। तो ये कुछ मैथ्स में ये जीपी का जनरली आप जब मैथ्स में पढ़ोगे तो इसको आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा,
तो जनरली क्या है, ये आपसे पूछा जाता है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फार्मूला क्या होगा, इफ कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए। देखो इधर लिख दिया हूँ, मॉड ऑफ आर इज लेस देन क्या होना चाहिए, आर आई मीन आर का जो वैल्यू होना चाहिए माइनस वन से क्या होना चाहिए प्लस वन के क्या है बीच में लाई करना चाहिए। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर शुरू करेंगे, क्योंकि नीट बैच में क्या है वेक्टर पहले शुरू किया गया है, तो हम भी पहले वेक्टर पढ़ेंगे और जब वेक्टर फिनिश कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। तो बुक मैं आपको बता देता हूँ कि एक बीएम शर्मा का बुक है सिंगेज पब्लिकेशन का, तो आप इसको देखना क्या है बीएम शर्मा है ना, फिजिक्स फिजिक्स बाई क्या है, फिजिक्स बाई क्या होगा एक बीएम शर्मा और क्या आएगा एच सी वर्मा, तो ये दो जो बुक होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, आप ये दो बुक खरीद लो और यही हम दोनों बुक क्या करेंगे फॉलो करेंगे, है ना। जनरली हम बीएम शर्मा ही देखेंगे, लेकिन आपके पास एच सी वर्मा है तो ज़्यादा भी अच्छा है, क्यों, क्योंकि एच सी वर्मा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम दिए हुए हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिया है। तो जब हम सब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एक ही प्रॉब्लम से बहुत सारे क्या होते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो इसलिए एच सी वर्मा भी क्या है बहुत ही अच्छा बुक है फिजिक्स के लिए और बीएम शर्मा, तो दो बुक आप फिजिक्स के लिए जेई के लिए आप लोग यदि पॉसिबल हो तो परचेज कर लें, नहीं तो ऐसे क्या है कि मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चंस अभी से क्या करूँगा प्रोवाइड करूँगा। तो कल हम क्या पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, वैक्टर क्या पढ़ेंगे हम, वैक्टर जो फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर वैक्टर के बाद हम पढ़ेंगे। ओके थैंक यू।